सर मेरी वूलन सेल की दुकान है मंडी चौराहे पे, तो सर मैं गर्म कपड़े अपने लगाता हूँ और अपना जीवन यापन करता हूँ। तो मंडी चौकी के कई पुलिस वाले मेरे यहाँ से 6 से 8 जैकेट ले जा चुके हैं, तो दोबारा वो जैकेट लेने आए दो और, तो मैंने उनसे कहा कि साहब मैं पहले पैसे मेरे नहीं आए तो मैं और जैकेट नहीं दे पाऊँगा, साहब मैं गरीब आदमी हूँ मैं कहाँ से पैसा लेके आऊँगा। तो बोले इंचार्ज साहब ने मंगाई है, सर इंचार्ज साहब ने मंगाई है तो मेरा पहला पेमेंट करा दो मैं और जैकेट दे देता, मेरे पास इतना बैलेंस नहीं है कि मैं और जैकेट आपको ला सकूं। बोले कि साले तुझे दुकान लगानी है नहीं लगानी, मैंने साहब दुकान मेरी तो घर की दुकान है साहब, मैं कहाँ चला जाऊँगा यहाँ से। बोले साले तेरी दुकान को अभी तहस नहस कर जाएंगे, अभी हम आ रहे हैं इंचार्ज साहब को लेके। इंचार्ज साहब आते हैं, अतिक्रमण का बहाना लेते हैं, बोलते हैं कि तेरे भाई पे 15 से 20 मुकदमे हैं, 15-20 लड़कियों के पैसे ले रखे हैं, इनके ले रखे हैं। मैंने साहब कौन सा मुकदमा है सर, मुझे अवगत कराइए आप। ना तो सर मुझे कोई अवगत कराया जाता है और ना ही कुछ किया जाता है, लेकिन सिर्फ साहब मेरे साथ मारपीट की जाती है, एक जैकेट की दुश्मनी के कारण ना देने के कारण मेरे साथ मारपीट की जाती है, मेरी माँ से भद्दी भद्दी गालियाँ दी जाती है, मेरे बाप को रोड पे से खींचा जाता है। जब साहब मुझे कुछ नहीं दिखा, मैंने बोला मैं ऐसे माल नहीं दूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए चाहे मुझे आत्महत्या करनी पड़े। उसके बाद में सर स्वयं मैं अपने ऊपर मट्टी का तेल छिड़कता हूँ और मेरी दुकान पर मट्टी का तेल छिड़कता हूँ, मैं अपने आप में आग लगा लेता हूँ। जब जाके फोर्स वहाँ से जाती है, उसके बाद में सर 100 डायल भी की, 112 भी डायल करता हूँ मैं, फायर ब्रिगेड भी डायल किया लोगों ने, तब जाके मुश्किल से सर मैं वहाँ से जान बचा के भागा। उसके बाद में साहब कल शाम को मेरे साथ हुई है सर, पिस्टन साहब ने मेरे ऊपर पिस्टन तानी है सर, उसके बाद में मारपीट की है, वो सारे फुटेज के जो CCTV फुटेज है वो कैमरे में कैद हैं सर, मैं आपको उनसे अवगत कराया जा सकता हूँ। आप जो अधिकारी के पास गए उन्होंने क्या आश्वासन दिया? सर मैं SVCT साहब के पास गया, SSV साहब के पास मिला, वो कार्यालय पर नहीं थे, तो SVCT साहब के स्टेनोस बाबू सर मुझे मिले, तो उन्होंने कहा आपको उचित कार्रवाई की जाएगी दरोगा जी के खिलाफ, लेकिन सर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उन्होंने मेरी एप्लीकेशन मुझे वापस कर दी। बोले उसने स्वयं उसने वहाँ से अपने और लोगों को बुलाया और बताया कि मिट्टी का तेल लाओ और इसमें आग लगा दो, और बताया कि पुलिस ने हमारे साथ अभद्रता की और हमारी दुकान में आग लगा दी। उसके बाद उनका जो नौबत का एक चाचा है वो भी वहाँ आ गया और उसने रामबाबू नाम है उसका, उसने ईंट उठा के चौकी इंचार्ज की तरफ जब मारनी चाहिए तो इन्होंने अपने जो उसमें कमर में पिस्टल लगी थी पिस्टल निकालने की कोशिश की, जिससे कि वो फिर डर के मारे और पिस्टल वो अपना ईंट छोड़ के भाग गया। उसके बाद ये लोग जब वहाँ से चले आए तो उसने बाद में जो वहाँ उनके जो परिवार के और लोग हैं उन्होंने छत पे चढ़ते हुए, ऊपर भी दुकानें नहीं की है जीना पे चढ़ते हुए, वहाँ से एक वीडियो देखा है मैंने जिसमें उन्होंने माचिस की तीली जला करके नीचे फेंक रहे हैं। उस समय तो वहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बाद में उन लोगों ने ये संज्ञान में आया कि कुछ कूड़े करकट और वो कार्टून टाइप के जला करके और पुलिस को ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने हमारी दुकान में आग लगा दी है। इनके जो दो लड़के हैं नौबत और श्याम सनम शुगर सिंह, इनके ऊपर थाना हाईवे पर मुकदमा अपराध संख्या 1152/19 अंडर सेक्शन 420, 406, 504, 506 ये कायम है पहले से ही। इनके द्वारा एक महिला के साथ धोखाधड़ी ठगी की गई है, उससे पैसे लिए गए हैं और इन लोगों ने इन सब आरोपों से बचते हुए अपने आप को बचाने के लिए पुलिस के ऊपर झूठे आरोप लगा करके ये कहानी बनी है, जिसका कि पूर्ण रूप से जांच करने के बाद खंडन किया जाता है।